मॉर्निंग क्लास, जैसा कि आपको पता है कि हम डिफरेंशिएशन की नो एक्सरसाइजेस यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तक कर चुके हैं। एलिमेंट्स की बुक में सातवां चैप्टर है डिफरेंशिएशन, उसकी नो एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। दसवीं जो एक्सरसाइज है वो है रोलीज थ्योरम, उसको आज हम करेंगे। रोलीज थ्योरम क्या कहती है, स्टेटमेंट उसका ये है, इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन डिफाइंड फाइनाइटली ऑन एन इंटरवल ए बी, यदि कोई फंक्शन एक इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल में डिफाइन किया गया है फाइनाइटली, यानी ए से बी तक की किसी भी वैल्यू के लिए वो फंक्शन इनफाइनाइट नहीं होता है। यदि ऐसे कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है और वो फंक्शन इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो अब कंडीशंस कौन सी हैं, वो पहली कंडीशन की एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, कि जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो डेरिवेबल होना चाहिए ऑन द ओपन इंटरवल, ओपन का मतलब है कि ए इंक्लूड नहीं है बी इंक्लूड नहीं है, बीच की वैल्यूज पर वो डेरिवेबल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी जो फंक्शन आपको दिया गया है उस फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर दोनों पर सेम रहनी चाहिए। यदि कोई फंक्शन इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो देन रोलीज थ्योरम इज वेरीफाइड, तो कहा जाएगा कि उस फंक्शन के लिए रोलीज थ्योरम वेरीफाई है, एप्लीकेबल है। तो जब रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल है तो फिर रोलीज थ्योरम ये कहती है कि यदि ऐसा है देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी, तो कोई पॉइंट सी ए और बी के बीच में, ये जो बाउंड्री दी गई है ए और बी इंटरवल दिया गया है, इसके बीच में कोई एक पॉइंट, कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए एफ डैश सी बराबर जीरो हो जाएगा, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एफ और उसमें एक्स के प्लेस पर सी डाल के उसको जीरो के बराबर डाल देंगे, ये कहती है रोलीज थ्योरम। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ लें, ज्योमेट्रिकल यदि हम समझे तो कहती है कि यदि आपको ये है, मान लीजिए आपका कार्टेशियन प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो कह रहा है कि यदि कोई कर्व है और उस कर्व में ये हो गया मान लो एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट, ये हो गया मान लो एक्स इज इक्वल टू बी पॉइंट यहां से यहां तक, तो उस कर्व में कहीं पर कोई पॉइंट होगा सी, जिस पॉइंट पर यदि इस कर्व की टेंजेंट ड्रॉ की जाए, यदि इस कर्व की टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यदि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उस पॉइंट को वो सी की वैल्यू होगी हमारा, और वो निकलेगी कैसे न्यूमेरिकली, या फिर एफ डैश सी को जीरो के बराबर डाल दीजिए तो वो सी पॉइंट की वैल्यू आपको पता चल जाएगी कि इस इंटरवल ए टू बी में वो सी पॉइंट कहां पर होगा। हाँ जी, तो रोलीज थ्योरम के हम तीन चार क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि पूरा पैटर्न होता कैसे है। रोलीज थ्योरम का कांसेप्ट बहुत ही आसान कांसेप्ट है ये, और सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न से होंगे, एक ही तरीका है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्टेटमेंट इस तरह से ही होगा सबका, वेरीफाई रोलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस ऑन दिस इंटरवल, तो फंक्शन है आपका एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स और इंटरवल है 1 2 3। तो पहली यहाँ तीन कंडीशन हमारी होती है, तीनों आपको चेक करनी है तब पता चलेगा रोलीज थ्योरम वेरीफाई होगी या नहीं। पहली, फंक्शन एफ एक्स इज ए पॉलीनोमियल फंक्शन विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। देखिए फंक्शन क्या है जी, फंक्शन एक पॉलीनोमियल फंक्शन है, तो पॉलीनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है, तो ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा, पहली कंडीशन तो सही है। दूसरी कंडीशन हमें चेक करना है कि डेरिवेबल है या नहीं। अब डेरिवेबिलिटी चेक करने का जो सिक्स चैप्टर में हमने कंसेप्ट किया है, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव करके चेक करते हैं, वो आपको नहीं करना है। आपको ये करना है, अब वो तो बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, कि हम क्या करेंगे, जो फंक्शन आपको दिया गया है हमको उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये फंक्शन है एक्स क्यूब का 3x² माइनस 12x प्लस 11, ये हुआ। अब ये जो आपका डेरिवेटिव आया, डिफरेंशिएशन हुआ,
वो आपको बस इतना देखना है कि जो इंटरवल आपको दिया गया है क्या उस इंटरवल में कोई पॉइंट ऐसा है x की जगह जिसको डालने पर ये फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए। तो यदि ये फंक्शन इनफाइनाइट नहीं होगा तो इसका मतलब डेरिवेबल है, फाइनाइट वैल्यू आए तो डेरिवेबल है, इनफाइनाइट हो जाए। और कोई भी फंक्शन इनफाइनाइट तब होता है जब उसके डिनोमिनेटर में जीरो आए, तो यहाँ डिनोमिनेटर है नहीं, जीरो आने का सवाल ही नहीं। तो f डैश x ये आया विच इज ऑलवेज फाइनाइट ऑन ए 1.3 और ओपन इंटरवल पर देखना होता है, ठीक है जी। तो हेंस fx इज डेरिवेबल ऑन द ओपन इंटरवल 1.3। दूसरी कंडीशन भी हो गई। तीसरी कंडीशन हमारी f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। तो f ऑफ a निकालते हैं, f ऑफ a की वैल्यू क्या है जी 1, f ऑफ 1 निकालिए, फंक्शन में 1 डाल दीजिए x की जगह, 1 का क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर 11 इंटू 1 माइनस 6 क्या हुआ जी 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 0 11 प्लस 1 12 12 माइनस 12 0 आया, f ऑफ 1 0 हो गया। f ऑफ 3 निकालिए आप, f ऑफ b 3 डाल दीजिए, 3 का क्यूब 6 इंटू 3 का स्क्वायर 11 इंटू 3 माइनस 6 सॉल्व करें 3 क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9 इंटू 6 54 प्लस 11 इंटू 3 33 माइनस 6 27 33 60 60 माइनस 60 0। तो यहाँ पर देखिए f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 3, यानी आपकी पहली कंडीशन सही, दूसरी कंडीशन सही, तीसरी कंडीशन भी सही, तीनों कंडीशन सही है, इसका मतलब क्या हुआ सो रॉलीज थ्योरम इज वेरीफाइड, रॉलीज थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर दिस फंक्शन फॉर एफ एक्स। जब रॉलीज थ्योरम वेरीफाई हो गई यानी रॉलीज थ्योरम एप्लीकेबल है, तो जब रॉलीज थ्योरम एप्लीकेबल है तो अब आपको क्या करना है, केवल अब आपको ये करना है कि सी की वैल्यू निकाल कर देनी है। सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट सो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी जो आपका डेरिवेटिव आया है यहाँ पर इसमें आप सी डालिए 3c स्क्वायर 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसके फैक्टर कीजिए, सी की वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ पर फैक्टर इसके होंगे नहीं तो फिर आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। तो ये a ये b ये c ये 12 हुआ प्लस माइनस 144 माइनस 132 तो 12 आया जी अंदर भी अपॉन 6 सॉल्व करोगे तो 12 प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा 2√3 और 6 से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए 12 अपॉन 6 2 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 6 2√3 अपॉन 6 जब आप सॉल्व करोगे तो 2 से 3 ना √3 अपॉन 3 आपका 1/√3 यानी ये वैल्यू होगी सी की 1 2 प्लस 1/√3 1 2 माइनस 1/√3 ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड वाला वो आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है। ये तो हो गया अलजेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करना, अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको क्या दिया गया बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स इंटरवल है 0 to π। यहाँ भी तीनों कंडीशन चेक करनी है, पहली एफ एक्स इज ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस। हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस हो गया जी। दूसरा स्टेप डेरिवेटिव कर दीजिए, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन टू एक्स का होता है कॉस टू एक्स, टू एक्स का टू मल्टीप्लाई में, अब ये वैल्यू देखिए कॉस एक्स माइनस टू कॉस टू एक्स। हम जानते हैं कि साइन और कॉस की वैल्यू कभी भी 0 से 1 के बीच में रहती है, उससे बढ़ जाती नहीं, ना 1 से ज़्यादा ना 0 से कम, तो कोई भी वैल्यू हो चाहे कभी भी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता, कॉस
थीटा चाहे कुछ भी हो इज ऑलवेज फाइनाइट ऑन दिस इंटरवल सो इट इज डेरिवेबल फाइनाइट हो गया तो डेरिवेबल हो गया। तीसरी कंडीशन क्या है f of a इक्वल टू f of b होना चाहिए f of a यानी f of 0 निकालिए डालिए sin 0 माइनस साइन टू मल्टीप्लाई जीरो यानी जीरो साइन जीरो क्या होता है जीरो माइनस जीरो यानी जीरो होगा एफ ऑफ पाई साइन पाई माइनस साइन टू पाई एक्स के प्लेस पर पाई डाल दी साइन पाई भी जीरो होता है टू पाई भी जीरो होता है जीरो यानी एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ पाई हो गया। तीनों कंडीशन आपकी बिल्कुल सही है तो आप लिख देंगे so Mollie's theorem is applicable on fx तो जब Mollie's theorem applicable होगी तो क्या होगा then there exists a point c such that f dash c is equal to 0 f dash c यानी अब आपको जो derivative आया है उसमें आप c डाल दीजिए cos के प्लेस पर cos c और 2 cos 2c is equal to 0 c की वैल्यू निकाल दीजिए cos c cos 2c cos 2 थीटा का फार्मूला cos के टर्म्स में होता है 2 cos स्क्वायर c minus 1 is equal to 0 तो cos c 4 cos स्क्वायर c plus 2 0 minus 1 कॉमन निकाल के इधर ले जाइए तो 4 cos स्क्वायर c plus का ये माइनस का ये माइनस का 0। अब यदि हम cos c को बेटा एक कांस्टेंट मान लें cos c को मान लीजिए एक सेकंड के लिए cos 60 मान लिया आपने t तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर cos सॉरी cos c को हमने t मान लिया t minus 2 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई रूट निकाल लिए हैं t की वैल्यू निकालिए माइनस b b की वैल्यू यहां माइनस 1 है प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4 इज 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 4 इनटू 4 16 इनटू 2 माइनस 32 आया माइनस माइनस प्लस होगा अपॉन में 2a 2 मल्टीप्लाई a तो ये वैल्यू आपकी क्या बन गई 1 प्लस माइनस रूट 33 सॉरी अपॉन 4 ये हुई t क्या था हमारा cos c को हमने d माना था तो अब आप चाहे तो t रख सकते थे वरना क्या करोगे अब वापस t की जगह cos रख दो cos c बराबर 1 प्लस माइनस 33 अपॉन 4 तो c क्या हो जाएगा ये cos इनवर्स 1 प्लस माइनस 33 अपॉन 4 दो वैल्यू हो गई एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस तो ये हुआ आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है वो एक लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया है लॉगरिथमिक फंक्शन ये लॉगरिथमिक फंक्शन वाला क्वेश्चन में डेरिवेटिव हमें जो करके दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इसलिए इस थर्ड क्वेश्चन को मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा बोर्ड साफ हो जाएगा जो क्वेश्चंस इरेज कर देंगे पहले मैं फोर्थ वाला सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दें फोर्थ में केवल और केवल स्टेटमेंट चेंज है उसको समझना है क्वेश्चन वही है ध्यान दें फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालिए इस इंटरवल में आए जो पॉइंट माइनस वन टू के बीच में एक्स की वैल्यू हो और वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए और टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होती है जब रॉलीज थ्योरम वेरीफाई होती है यानी रॉलीज थ्योरम जिस पॉइंट पर वेरीफाई होगी वो सी की वैल्यू है तो अल्टीमेटली यही मीनिंग है कि रॉलीज थ्योरम वेरीफाई कीजिए और सी की वैल्यू निकालिए केवल लैंग्वेज काम था ध्यान दें y कह दो या fx कह दो एक ही बात है फंक्शन है जी आपका ये ठीक है जी फंक्शन ये दिया गया है अब पहला स्टेप वही fx इज ए पॉलिनोमियल सो ऑलवेज कंटिन्यूअस हो गया दूसरा स्टेप आपको f'c निकालना है f'x निकालिए बेटा दो तरह से निकाल सकते हैं एक तो आप इनका प्रोडक्ट कर लीजिए तब कर लो या ऐसे कर लो बात एक ही है कि ये एक पार्ट
ये दूसरा पार्ट, या आप इसका प्रोडक्ट ही कर लीजिए फंक्शन का, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स, तो माइनस एक्स बचेगा माइनस टू, ये होगा जी। तो इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो 12 तो बाहर है ही, 2x इसका करेंगे तो माइनस वन उसका जीरो, ये आया जी डेरिवेटिव, विच इज ऑलवेज फाइनाइट ऑन दिस इंटरवल माइनस वन टू थ्री, माइनस वन टू टू है, माइनस वन टू टू लो, ठीक है जी। सो एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन दिस इंटरवल, डेरिवेबल हो गया। डेरिवेबल होने के बाद आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप एफ ऑफ ए निकालना, एफ ऑफ माइनस वन, फंक्शन में माइनस वन डाल दीजिए जी एक्स के प्लेस पर। ध्यान दें, 12 मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई माइनस थ्री क्या होगा, जीरो। एफ ऑफ टू निकालिए एक्स के प्लेस पर, टू डाल दीजिए, टू प्लस वन इंटू टू माइनस टू, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा पूरा जीरो, यानी ये भी आपका एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तो तीनों कंडीशन कंटिन्यूस है, डेरिवेबल है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तो इसका मतलब रॉलीज थ्योरम इज वेरीफाइड, रॉलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन द फंक्शन एफ एक्स। क्या करोगे, एफ एस सी बनाओ, जीरो डाल दीजिए, एफ एक्स क्या है आपका ये, तो 12 इंटू टू सी माइनस वन इजक्वल टू जीरो, 12 इधर ले जाके जीरो, टू सी माइनस वन इजक्वल टू जीरो, टू सी इजक्वल टू वन, सी इजक्वल टू वन बाई टू। अब सी जो है वो x की वैल्यू है जी, ये ध्यान देना है, x कोऑर्डिनेट है सी उस पॉइंट का, तो x कोऑर्डिनेट आया 1 बाई टू, x कोऑर्डिनेट 1 बाई टू है तो फंक्शन क्या था, y निकालना पड़ेगा, y इजक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 12 इंटू 1 बाई टू प्लस 1, 1 बाई टू माइनस टू, तो y क्या हो जाएगा जी, 12 इंटू 3 बाई टू इंटू माइनस 3 बाई टू, 2 और 2 4 हो गया, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, तो y हो गया 3 इंटू 3 इंटू माइनस 3 माइनस 27। तो जो पॉइंट आपका वो हो गया ये 1 बाई टू कॉमा माइनस 27, यानी इस पॉइंट पर यदि इस कर्व की टेंजेंट खींची जाए तो वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आएगी जरूर। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन रह गया, ये थर्ड वाला लॉग वाला, इसका डेरिवेटिव थोड़ा बड़ा होना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ा था ताकि हमारे पास स्पेस ज्यादा हो बोर्ड पर। अभी हम ये क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिए, मैं इस फंक्शन को लिख लूंगा अभी बस, वेरीफाई रॉलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन, ये फंक्शन है आपका और इंटरवल है ए कॉमा बी, तो इस फंक्शन को मैं ऊपर लिख लूंगा इधर, थर्ड क्वेश्चन था ये हमारा, एफ एक्स है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स, इंटरवल है ए कॉमा बी, ठीक है जी। ध्यान दें, तीन स्टेप वही हैं, पहला स्टेप कंटिन्यूस चेक करना, दूसरा डेरिवेटिव चेक करना, और तीसरा पहला स्टेप, एफ एक्स इज ए लॉगरिथमिक फंक्शन विच इज कंटिन्यूस ऑन ए कॉमा बी, लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा कंटिन्यूस ही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा स्टेप आपको एफ डैश एक्स निकालना है, मतलब डेरिवेटिव चेक करने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा काम है, ध्यान दें, इसका जो डेरिवेटिव करोगे तो लॉग के अकॉर्डिंग वन ओवर जो वैल्यू है मल्टीप्लाई, अंदर वाले फंक्शन का करोगे तो नीचे वाला पार्ट सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x इसका 0, ऊपर वाला पार्ट सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव x का 1 होता तो जो कोफिशिएंट वही रहेगा a प्लस b अपॉन नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर,
होल स्क्वायर ऐसे। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर का ऊपर पहुंचेगा इस तरह, यहां से सॉल्व करोगे तो a प्लस बी मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर, इधर उसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि वैल्यूज कैंसिल आउट होंगी, ओपन करने की जरूरत नहीं है। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं बेटा दो बार लिख रहा हूं मल्टीप्लाई करके, ये स्क्वायर है पूरे टर्म का तो दो बार मल्टीप्लाई कर लिया। अब ध्यान दें, अब इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी ध्यान दीजिएगा तो ये एक पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया जी ऐसे, क्लियर। अब यहां बचा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई में पहला पार्ट, ए प्लस बी इंटू टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स, इसकी मल्टीप्लाई अब बीच में माइनस है इसके अपॉन में ये आएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, इसके डिवीजन में तो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स, एक तरह से हमने इसमें अलग अलग डिवाइड किया है और बाहर जो टर्म बचा उसकी मल्टीप्लाई किया। ध्यान दें यहाँ पर ये कैंसल आउट हुआ ऐसे और एक एक्स कैंसल आउट हुआ, तो पहला टर्म आपका बच गया जी टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ये बचा। दूसरा टर्म इधर देखिए, ये पार्ट कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, वन ओवर एक्स बचा केवल, यानी आपका जो एफ डैश एक्स हुआ वो ये हुआ। और ध्यान नहीं यहाँ पर हम एक्स के प्लेस पर चाहे ए और बीच के बीच में कोई भी वैल्यू डाले, जीरो तो है नहीं और बीच के बीच में, तो ये कभी भी आपका इनफाइनाइट नहीं होगा, विच इज ए फाइनाइट वैल्यू ऑन ए कॉमा बी, सो एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ए बी, डेरिवेबल भी हो गया जी। और तीसरा काम जो आपका है डेरिवेबल करने के बाद वो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी निकालना, तो मैं ऊपर निकाल रहा हूँ उसको, यहाँ से इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, बस डेरिवेटिव रख लेंगे हम, उसकी जरूरत पड़ेगी। डेरिवेटिव निकाला कैसे उसको हटा दो, ये डेरिवेटिव है इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ध्यान दें जब सी की वैल्यू निकालेंगे तो तीसरा स्टेप जो आपका है वह एफ ऑफ ए निकालना, यहाँ पर ए ये एफ ऑफ ए, ध्यान दें लो जब आप ए डालोगे एक्स की जगह ए स्क्वायर प्लस ए बी ऑन ए प्लस बी इंटू एक्स के प्लेस पर ए, ध्यान दें लो यहाँ पर ऊपर से ए कॉमन लिया ए प्लस बी बचेगा, नीचे ए प्लस बी इंटू ए है ही, ये ए से ये बी से ए बी, तो लॉग वन बचा, लॉग वन जीरो होता है। एफ ऑफ बी जब आप निकालोगे तो लॉग अब एक्स की जगह बी डालोगे, यहाँ ए प्लस बी है ही, एक्स की जगह बी डालोगे तो लॉग ऊपर से बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो बी प्लस ए बचेगा अपॉन ए प्लस बी इंटू बी, बी कॉमन लिया है तो बी से बी कैंसिल आउट, बी प्लस ए से बी प्लस ए कैंसिल आउट, लॉग वन बचा जो जीरो होता है, इसका मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया। तीसरा स्टेप भी सही है, सो लॉरेंज थ्योरम इज वेरीफाइड या एप्लीकेबल, जब वेरीफाई हो गया तो क्या हो जाएगा जी, देन देयर इज स्टेटमेंट सी सच दैट एड्रेस इज इक्वल टू जीरो, एड्रेस एक्स का आपका क्या आएगी ये रहा, यहाँ सी लाओ तो टू सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस वन अपॉन सी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ एलसीएम जब आप लोगे तो सी स्क्वायर प्लस ए बी तो एलसीएम हो गया इंटू सी, ये कैंसिल आउट इसकी इधर तो सी टू सी स्क्वायर माइनस सी से सी कैंसिल आउट तो ये वाला ब्रैकेट बचेगा सी स्क्वायर प्लस ए बी, और जो न्यू डिनोमिनेटर में वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जीरो, ऊपर वाले में माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी बचा, और यहाँ से टू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या बचा सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, सी इक्वल टू प्लस माइनस टू ए बी, ये आएगी सी की वैल्यू। उम्मीद करते हैं आपको रोली थ्योरम का कंसेप्ट समझ आया होगा, थैंक यू।